तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज के इस टाइप की मेरी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है, सो यार वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। सो आज मेरे पास कुछ न्यूज़ है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अंकित भयापुरिया के बारे में। तो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपको ये बात तो पता होगी कि कुछ लोग एल्विस यादव एंड अंकित भयापुरिया को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि अंकित भयापुरिया ही बेस्ट है एंड और भी। सो फाइनली ये दोनों मिल चुके हैं एंड अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये वाली पिक शेयर करी। एंड सारी कॉन्ट्रोवर्सी को क्लियर करते हुए अंकित भयापुरिया ने अपने व्लॉग में क्या बोला, मैं अभी आपको छोटे से वीडियो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। एल्विस भाई तो मिल गए थे, बहुत बढ़िया लगा भाई मिल गए। मतलब चलो ठीक है, मार्केट में जो भी कुछ क्या ला रहे फालतू पंड की देगा दीपक वास चल रही है, मारी भी कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे भाई। मारा था हरियाणा में भाई सारा टोप रहा है इस चीज में, तो बहुत बढ़िया बालक है भाई, बालक तक ये मतलब भाई है, एक नंबर जेन्युइन पर्सनैलिटी। तो अगर हम लोग बात करें अंकित भयापुरिया की, सो उनके रिलेटेड एक और न्यूज है। तो क्या हम लोग को एल्विस यादव एंड अंकित भयापुरिया का कोई बड़ा कोलैब देखने को मिल सकता है, वो क्या बोले आप लोग खुद ही देख लो। अच्छा कर रहे हो आप, बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, कोई बढ़िया प्लान बनाओ और मिलके साथ में काम करेंगे और बढ़िया। सरप्राइज भी आ सके भाइयों को, क्या पता जल्दी जल्दी भाइयों को कुछ सरप्राइज आ सके, हमने कही मेरा भाई। सो चलिए अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज है फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान हमें कभी बिग बॉस के सीजन में देखने को मिल सकते हैं विद आसिम रियाज? तो क्या इन लोगों का कमबैक हो सकता है बिग बॉस में, वो अपने सेकंड चैनल के रिएक्शन वीडियो में कुछ ये बोले। डजंट वांट मी कि मैं कभी बिग बॉस सीजन करूं आगे, मेरे दोस्त नहीं चाहते मैं आगे जाके बिग बॉस सीजन करूं, मेरा मन भी नहीं चाहता कभी कभी, बट मेरा जब दिल है ना वो इट्स लाइक गो फॉर इट ब्रो, गो फॉर इट, यू आर मेड फॉर इट, तेरे को जाना बनता है। उस सीजन में जाना चाहता हूँ जहाँ पर अच्छे प्लेयर्स है लाइक आसिम एंड ऑल, मतलब आसिम आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई, आई फील ही शुड ऑल्सो कम बैक सम टाइम, एंड व्हेन ही कम्स बैक एंड एम ऑल या जियो सिनेमा जो भी देख रहा है, अगर आप कभी मेरे को लाना चाहते हो तो आसिम भाई को भी साथ लेकर I want to play with him. It would be fun. I know, obviously, he's very strong. I'm also a strong contender. तो अगर बात कर रहे हैं फुकरा इंसान के बारे में, तो बात कर लेते हैं उनसे रिलेटेड एक और चीज के बारे में। तो अगर आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्रोवर्सी के कोई भी होता है तो उसके ऑडियंस दूसरे क्रिएटर को जाके कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलती है, जिसके ऊपर फुकरा इंसान क्या बोले आप लोग खुद ही देख लो। नो यू गाइस लव मी अ लॉट बट आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस, मतलब किसी के कमेंट सेक्शन में जाके गाली देना या किसी के बारे में बुरा बोलना, दिस इज नॉट माय ऑडियंस, आई नो माय ऑडियंस, मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, नेवर वांट कि आप किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके किसी को उल्टा लिखो, अगर किसी को प्यार नहीं देना तो नफरत कभी मत। सो चलिए यार, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग न्यूज के लिए। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।